सो वेलकम टू द जंगल एंड आज के समाचार इस प्रकार के हैं कि जो नैना चार, मैंने जैसे फोन पे बताया परेश को तो कुछ धमाकेदार रिएक्शन शुरू हुए. टू आईज एट द बैक ऑफ द हेड. हाँ, तो बोलता है परेश मुझे कि इज इट आर यू एंडोर्सिंग सम स्पैक्स और सम शेड्स और व्हाट ब्रांड इज इट. सोनी ग्लासेस. तो तभी मैं चुप हो गया कि चलो अभी मैं लिरिक्स ज्यादा रिवील करूंगा नहीं, परेश को भी बस बता देता हूँ कि दीज आर द मीटर्स, दीज आर द वर्ड्स. राइम्स मैंने दे दिया है, मेलोडी, और बस अब आप इस पे शुरू हो जाइए. सो एक बार देखें. वो जो बिन बोले बातें मन की कर लेते हैं, झूठे किस्से भोले बन के गढ़ लेते हैं, चाहे शोर में या भीड़ में, सन्नाटे या चीड़ में, जो बिन देखे एक दूजे से लड़ लेते हैं. भागी हमसे आगे मजा इसलिए आएगा कि नरेश के बैकिंग्स, परेश की प्रोडक्शन, तो वैसा सा कुछ धमाल होने वाला है. और सिंस श्रेयाज रोमांटिक एंड प्योर यू नो फीलिंग्स इन हर वॉइस विल ऐड मैजिक इस गाने पे, नरेश मेरा आइडिया है कि इसमें लॉट्स ऑफ स्ट्रिंग्स हम लोग एंड यू नो नेचुरल फ्लोइंग विच इज़ वेरी लाइक कॉन्ट्रास्ट कॉर्ड्स, जैसे जो भी मेलोडीज जो मेन मेलोडी है उसके इर्द गिर्द जो भी आप राइटिंग करेंगे स्ट्रिंग्स की, तो वो ऐसे एक कॉम्प्लीमेंट देते हुए बहती सी चले नदी की तरह. By the way, I just want to tell you guys, every time I listen to any song of Kalasa, my first reaction, of course, the beauty of the melody and words, but it's the way you bring that very beautiful riff somewhere with your, you know, arrangements, whether it's guitar or a, you know, piece of mandolin or something. It's so unique about you guys. It's amazing what you do. And I know that with this whole जो इस गाने में भी हम जो सोच रहे हैं, दैट स्ट्रिंग्स एज यू सेड, आई हर्ड अ लिटिल स्क्रैच ऑफ व्हाट यू हैड डन, थोड़ा सा एक ढांचा जो आपने बनाया उसमें हारमोनीज आर आउटस्टैंडिंग. मेनी सॉन्ग्स यू हैव यूज्ड मैंडोलिन व्हिच आई लव, दैट इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ हैज रोमांस इन इट, यू नो, इट जस्ट टेक्स यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड. मैंडोलिन, साज, यू नो, कितने सारे अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने सुने व्हिच वी नेवर गॉट अ चांस टू यूज. आई थिंक वी कैन ट्राई एंड यूज एंड डू अ लिटिल एक्सपेरिमेंटेशन, यू नो. You know, it's got the orchestration at the back and things like that, because, you know, strings are, they can uplift your emotions, and you know, if there's a particular emotion, if you have the right kind of strings at the back, then it becomes heightened, for sure. और actually हम लोगों ने वो इतना ज़्यादा explore भी नहीं किया हुआ है. क्या बात है. I think वो हमारे लिए भी कोई एक नई बात हो जाएगी ना. तो backings में इस बार हम लोग और भी ज़्यादा layers करने वाले, because थोड़ा वो जो philharmonic इस बार है. क्योंकि एक नया फ्रीक्वेंसी मिलने वाला है आपको, आपका फ्रीक्वेंसी एक अलग जोन पे है. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू विल हैव अ फीमेल फ्रीक्वेंसी इन योर वॉइस. यस, या, एंड मिड ऑक्टेव, मिड ऑक्टेव, इट विल बी समथिंग न्यू फॉर यू टू कंप्लीटली, इवन फॉर द म्यूजिक, नो, समटाइम्स व्हेन यू आर, बिकॉज़ हिज वॉइस इज लाइक, इट्स लाइक अ मिर्ची, यू नो, इट्स लाइक रियली स्ट्रांग इन दैट वे, सो मे बी समटाइम्स यू हैव टू मेक द म्यूजिक अ लिटिल the opposite of that to balance it out, soften it, yeah. And but with your case, I guess, you know, your voice will be soft and it'll have a different thing for us to work with, yeah. You know, so a dynamic aa jayega us pe, which is very good. let's hear the nightingale of India. Yes. Wo jo bin bole baatein man ki kar lete, किससे भोले बन के गढ़ लेते, चाहे शोर में या भीड़ में, सन्नाटे या चीड़ में,
जो बिन देखे एक दूजे से लड़ लेते हैं। नैना चार नैना चार नैना चार नैना